गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई छवि गुप्ता वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन. आई होप यू ऑल आर सेफ इन वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली एंड आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू. एंड इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव टोल्ड यू दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिक इफेक्ट इज बींग प्रोड्यूस्ड. टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी हैव अ न्यू स्लाइड दैट इज द राइट हैंड थंब रूल इन दिस वीडियो वी विल स्टडी. नाउ if we take about a current carrying conductor which is a straight one, what do you mean by straight one? Means a straight wire is being used. Means aapne ke straight wire liye, aapko iske cross magnetic field nikal diye and in straight wire mein current flow kar raha hai. Okay, so we need to find out the magnetic field lines due to a current carrying conductor in a straight wire. ठीक है, straight wire, straight current, straight conductor है, उसके अंदर आपको magnetic field lines निकालनी है. Just a current carrying conductor जो भी होगा अगर वो straight होगा, सीधा होगा, that means जो magnetic field होगी वो आपके ऐसे concentric circles में होगी, ऐसे circular parts में आएगी. Okay, तो दैट मीन्स अगर आपका कोई करंट कैरिंग वायर है जो बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपकी स्ट्रेट कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेगी. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो बेसिकली ये जो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं ये क्या इंडिकेट करता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट करता है. अब जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी. नाउ फॉर टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी वी यूज वन वी डू एन एक्टिविटी. व्हाट वी विल डू इज वी टेक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडिंग वर्टिकली. हमने एक ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, जिसकी डायरेक्शन में करंट मीन्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मतलब ये साउथ एंड है एंड दिस इज योर नॉर्थ एंड. साउथ टू नॉर्थ मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है, आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है. सो इस केस में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो एंटी क्लॉक वाइज होगी. कैसे होगी? नाउ सी, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट हैंड थम रूल. वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट हैंड थम रूल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल. ठीक है, नाउ अब इसको समझने के लिए जस्ट सी व्हाट डज अ राइट हैंड थम रूल से. राइट हैंड थम रूल क्या कहता है क्लास? दिस फर्स्ट फिगर. मैं अभी आपको पहले फिगर से समझा रही हूँ, देन वी विल रीड ओवर देयर. ये जो आपकी फर्स्ट फिगर है पहले आप इसको देखिए. ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस से कि जो आपका सेंटर है जो आपने फिंगर्स के बीच में पकड़ रखा दैट इज़ अ वायर. हम इधर वायर की जगह अपना पेन लेते हैं एंड जो पेन की टिप है जहाँ से आप लिखते हैं दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स योर थम. ओके, पेन की पेन लिया आपने अपने हैंड में एंड सर्कल किया, बांधा हाथ के अंदर एंड पेन की टिप थम की तरफ पॉइंट कर रही है. फाइन, सो पेन की टिप और थम दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट अप करेंगे. ठीक, तो जो थंब होता है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, करंट की डायरेक्शन होगी. अब जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर कर्ल कर रही हैं, सी आपके फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं, सो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी आपके फिंगर्स ऐसे कर्ल हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही कर्ल की गई है. ओके, सो दिस मीन्स कि अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है यू कैन यूज अ राइट हैंड थंब रूल टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स दैट इनसर्कल. अगर फिंगर इनसर्कल कर रही है जिस भी डायरेक्शन में दैट विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है? अगर आपको याद हो आपकी एक क्लॉक होती है, राइट, क्लॉक में दिस इज योर 12 एंड दिस इज योर 6. ओके, हम 12 और 6 के कॉन्सेप्ट समझते हैं. घड़ी है ना आपकी, सिंपल घड़ी. नाउ जब आप 12 से 6 पे आएंगे इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हैं?
क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज की घड़ी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, बट अगर हम 6 to 12 चाहते हैं तो दिस इज़ नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगेंस्ट में जा रही है क्लॉक के डायरेक्शन से। सो अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फिंगर जिस भी डायरेक्शन में सर्कल करेंगी दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके नाउ, अब अगर करंट आपका ऊपर की तरफ है, जस्ट बिफोर यू कैन रीड, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय अ राइट हैंड, राइट हैंड में पकड़ना है, कीपिंग द थंब स्ट्रेट, थंब को ऊपर की तरफ रखना है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब है, ठीक, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स, बाकी फिंगर्स आपके रैप करे, विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ योर राइट हैंड थम रूल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, विच सेज कि आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पकड़ना अपने राइट हैंड में, देन आपने थम को लेना है, थम आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करेगा, एंड फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके नाउ, अब सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको डायरेक्शन पता कैसे चलेगी। नाउ इफ़ द थम इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपका थम नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट मीन्स करंट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो फिंगर्स जो कर्ल कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यू कैन सी ओवर हियर। सी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल कर, तो घड़ी ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी आपकी घड़ी, और ये वाली डायरेक्शन क्या थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली डायरेक्शन क्या थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स अगर फिंगर्स, अगर थंब आपका ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, एंड आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, एंड दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज द एंटी क्लॉकवाइज। बट अब अगर आपका थंब नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मीन्स साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम द थंब इज इंडिकेटिंग डाउनवर्ड्स, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपकी फिंगर्स ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे। ओके सो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज ऑलवेज सर्कुलर इन डायरेक्शन, एंड इट इज ऑलवेज क्लॉक वाइज, यू कैन सी ओवर हेयर, ये घड़ी में ऐसे मूव कर रहा है आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक वाइज। ओके क्लास, नाउ सी इफ द करंट फ्लोइंग इन अ साउथ डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज क्लॉक वाइज, दिस इज अवर राइट एंड थम रूल। इसी के बेस पर हमारे पास मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल आया था, जो ये समझाता था कि आप जैसे नट होता है, आपका जो स्क्रू होता है, ओके, उस स्क्रू को आप जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, सी एज पर मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट इसके नीचे की तरफ आ रहा है, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है स्क्रू, दैट इज़ अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ स्क्रू, आप स्क्रू को यहाँ पे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करेंगे आप स्क्रू को बार बार, जब आप स्क्रू को ऐसे रोटेट करेंगे दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सो यही आपका मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहता था। सो वॉट आई होप राइट एंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल इज क्लियर टू यू। नाउ वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि जितना करंट आप इंक्रीज करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बिकॉज करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो जितना करंट प्रोड्यूस करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना करंट डिक्रीज करेंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा, या फिर अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स में फॉर्म हो रहा था, will increase with the distance from the conductor, which shows that the magnetic field decreases with distance. Next, magnetic field lines are always parallel to each other, hamesha parallels rahengi, wo kabhi cross nahi karti aapas mein. So these are the properties of magnetic field. So what we have studied in this video is magnetic field lines through a straight current carrying wire
एंड राइट हैंड थंब रूल. नाउ द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ स्ट्रेट करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट इज प्लेस टूवर्ड्स ईस्ट. मतलब आपकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है करंट की, सो आपके मैग्नेटिक फील्ड एंड की डायरेक्शन कैसी होंगी, दैट यू विल ड्रॉ बाय अ डायग्राम. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.